देवी पार्वती को जगत जननी और आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सुंदर, दयालु और शक्तिशाली देवी के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप उनके उन रूपों के बारे में जानते हैं जिन्हें अघोरी और तांत्रिक विशेष साधनाओं के लिए पूजते हैं? ये साधनाएं रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती हैं, जिन्हें केवल कुछ गिने चुने साधक ही कर पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको देवी पार्वती के तीन सबसे रहस्यमयी और खतरनाक रूपों के बारे में बताएंगे, जिनकी तांत्रिक साधनाएं बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होती हैं। ये रूप देवी काली, देवी छिन्नमस्ता और देवी भैरवी के हैं, जो न केवल तंत्र साधनाओं से जुड़ी हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे रहस्य और शक्तियां छिपी हुई हैं। आइए जानें इन देवी रूपों और उनसे जुड़ी तांत्रिक साधनाओं के बारे में, जो आम लोगों के लिए अज्ञात हैं। माता पार्वती के तांत्रिक रूप और साधनाएं। माता पार्वती, जिन्हें जगत जननी और आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है, को सुंदर, दयालु और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती के कुछ ऐसे शक्तिशाली और रहस्यमय रूप भी हैं जिनकी पूजा अघोरी और तांत्रिक साधक करते हैं? इन साधनाओं को केवल साहसी और अनुभवी साधक ही कर सकते हैं, क्योंकि ये साधनाएं कठिन और खतरनाक होती हैं। आइए जानते हैं माता के तीन प्रमुख तांत्रिक रूपों के बारे में, जिन्हें साधना करना रहस्य और खतरे से भरा होता है। एक, माँ काली और तांत्रिक साधना। माँ काली, जिन्हें मृत्यु और विनाश की देवी माना जाता है, का रूप माता पार्वती का सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप है। माँ काली का विकराल रूप देखने में डरावना होता है। उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी और गले में लटकते मुंडों की माला होती है। काली माँ को राक्षसों और देवताओं दोनों द्वारा समान रूप से पूजा जाता है। रक्त बीज का विनाश। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसकी खून की हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न होंगे। जब देवताओं ने उसे हराने की कोशिश की तो उसकी हर बूंद से और भी शक्तिशाली असुर उत्पन्न होने लगे। तब माता पार्वती ने काली का रूप धारण किया और अपनी जीभ से रक्त बीज का सारा खून पीकर उसका अंत किया। युद्ध के बाद माँ काली का विकराल रूप शांत करना मुश्किल हो गया। तब भगवान शिव उनके सामने लेट गए, जिससे उन्हें एहसास हुआ और उनका क्रोध शांत हुआ। शव साधना। माँ काली की सबसे रहस्यमय और खतरनाक साधना शव साधना मानी जाती है। इस साधना में तांत्रिक एक ताजा शव के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करते हैं। शव साधना के दौरान माँ काली साधक की परीक्षा लेती है और ध्यान भटकाने के लिए भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। साधना पूरी होने पर माँ काली प्रकट होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। यह साधना बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसमें असफल होने पर साधक मानसिक संतुलन खो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। 2. देवी छिन्नमस्ता और कुंडलिनी जागरण। देवी छिन्नमस्ता, जो अपने ही सिर को काटकर रक्त बहाने वाली देवी के रूप में जानी जाती है, माता पार्वती का एक और तांत्रिक रूप है। उनके कटे हुए सिर से तीन धाराएं रक्त की बहती हैं, जो उनकी सेविकाओं की भूख शांत करती हैं। यह देवी शक्ति और कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। कुंडलिनी जागरण। देवी छिन्नमस्ता का यह रूप कामदेव और रति के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है, जो यौन ऊर्जा और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। यह कथा दर्शाती है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए यौन इच्छाओं और अहंकार को त्यागना पड़ता है। इस तांत्रिक साधना में साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और यौन ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। 3. देवी भैरवी और काला जादू। देवी भैरवी को महाविद्याओं की पांचवीं देवी माना जाता है और यह शिव की शक्ति और ऊर्जा का अवतार है। उनका रूप क्रोधी, आक्रामक और विनाशकारी होता है। देवी भैरवी की तांत्रिक साधनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें करने से जन्म और मरण के चक्र पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भैरवी साधना। देवी भैरवी की साधना तांत्रिकों द्वारा विशेष रूप से की जाती है, जिनमें जल, अग्नि, वायु और धरती जैसे तत्वों का उपयोग होता है। यह साधना साधक को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति कराती है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने पर साधक का जीवन नष्ट हो सकता है। सही इरादों से की गई साधना साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। निष्कर्ष तंत्र साधनाओं में खून, मृत्यु और यौन ऊर्जा को
एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन साधनाओं को करने वाले साधक अपने आत्मबल और मानसिक संतुलन से इन्हें पूरा करते हैं। माता पार्वती के इन रूपों के पीछे छिपा रहस्य और तांत्रिक साधनाएं बहुत ही रोमांचक और डरावनी हैं।